यह नफरत करने वाली पार्टी है। तो इसलिए देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से जो है हिंदू विरोधी पार्टी रही है। जब से इसने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाई, तब से ही लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है यह नफरत करने वाली पार्टी है। तो इसलिए अखिलेश यादव का ये जो बयान है, ये कहीं न कहीं से तुष्टिकरण की मानसिकता से ग्रस्त है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करने का, कि मंदिर में जो पुलिसकर्मी है वो पुजारी की वेशभूषा में मंदिर की गरिमा मर्यादा का पालन करते हुए वहाँ रहेंगे, तो सुरक्षा भी अच्छी रहेगी श्रद्धालुओं की, और उसमें जो है व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। ये बहुत अच्छा कदम है। और हालांकि ये है कि कहते बादी भद्रम न पश्यति, जो विरोधी होता है उसको अच्छाई भी अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये जो विपक्ष है उसको तो क्या है कि नफरत की राजनीति करनी है, बाकी ये भाजपा का जो कार्य है ये राष्ट्रहित में है और जनहित में। धोखाधड़ी क्यों होगा? क्योंकि साधु के बेस में, साधु जैसे जिस वातावरण में रहा जाता है परिवेश में, वैसा बेस भी होना जरूरी रहता है। ये निर्णय बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, और हर मंदिर में अगर सुरक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अखिलेश यादव जी को तो सब कुछ गलत लगता है, लेकिन वो अपने कितने सही हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो पता चल जाएगा। उनका काम ही है यही, जहाँ पर नहीं उगने का वहाँ पर घास भी नहीं उगने का वहाँ पर तार का पेड़ उगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। देखिए, यदि इस तरह से यदि सरकार की योजना है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि भारतीय परिधान में मंदिरों के अंदर रहने वाले जो भी सुरक्षा कर्मी होंगे भारतीय परिधान में आएंगे, और उनके पास जो उनका आई कार्ड होगा उसमें निश्चित होगा कि उनका आई कार्ड है, और उनको एक जो प्राविधान जो है, लेकिन परिधान जो है तो भारतीय पोशाक होगा। तो भारतीय परिधान का मैं स्वागत करता हूँ। इस तरह से बहुत ही अच्छी नीति है सरकार की कि मंदिरों में, चूंकि जब लोग जाते हैं कभी कभी ऐसी स्थिति आई सिक्योरिटी के तहत जो है सुरक्षा कर्मी जो गर्भगृह में इस परिधान